इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। सेक्शन बी का जो अनदर क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर आप ये देखोगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ब्लड। As you know that the importance of the blood, because the blood plays a vital role in our body and it plays a very vital functions in our body, because we know that the all this gaseous exchange takes place through the blood. The first function of the blood is that it transport of gases with the tissues and from the tissues to the organs and इसके अंदर आप जो है वो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इसके जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसके आप हेडिंग डालें और उसके नीचे जो है वो फंक्शन लिख दें, तो बहुत ही क्लियर और वाजे हो जाएगा चेक करने वाले के लिए क्या आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद आप जैसे ऐसे हेडिंग डाली कि फंक्शन ऑफ ब्लड में इम्यून सिस्टम, एज वी नो दैट कि हमारी बॉडी में जो है वो इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम से मुराद ये है कि जो ब्लड में एक कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक सोल्जर्स का काम करते हैं और दे किल द बैक्टीरिया और अदर फॉरेन मटीरियल विच वैन दे आर एंटरिंग आवर बॉडी। जब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जर्म्स की फॉर्म में जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकती है हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो एक कंपोनेंट जो ब्लड का एक कंपोनेंट है, बॉडी का कंपोनेंट ब्लड और ब्लड का एक कंपोनेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स दे आर लाइक अ सोल्जर्स, वो क्या करने लगते हैं कि डिफेंड करते हैं हमारे बॉडी को और किल करते हैं उस जर्म्स को जो कि किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है। उसके बाद जो है ब्लड का सिर्फ काम हमारा जो है वो गैसेस एक्सचेंज और इम्यून सिस्टम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होती है उसमें भी हमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है वो करता है हार्ट, जो कि हमारे गट से या हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे फूड में थ्रू द ब्लड जो है जो फूड जो भी हम खाते हैं एब्जॉर्ब होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ब्लड इज ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर द इन द न्यूट्रिशन और दे हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द सेल्स वेयर दिस एनर्जी इज नीडेड। एंड देन जब हम कोई चीज़ भी खाते हैं और कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसमें क्या जमा होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे अदर जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया यूरिक एसिड वो सब भी ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ ब्लड। इसी ब्लड के क्या करती है कि ट्रांसपोर्ट करती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं वहाँ पर ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो हम इसका ये एक फंक्शन और ऐड कर सकते हैं इधर, हम इसकी हेडिंग डाल के वेस्ट मटीरियल के द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी इज हेल्प बाय द फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन एक ब्लड का ये फंक्शन भी है। सेकंड हमारा एक और जो उसके बाद हमारा एक फंक्शन ब्लड का ये है हार्मोन्स। वी नो दैट दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स विच हेल्प टू रेगुलेट और टू आवर बॉडी। सो ये जो हार्मोन्स भी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन भी मौजूद है जो क्योंकि टाइम के इसमें नहीं किया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं और इसकी जो जो हार्मोन रिलीज करते हैं जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होती है मटीरियल, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है या दूसरे ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल ग्लैंड है या जो है वो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, दे ऑल आर सीक्रेट सम हार्मोन्स टू द रिक्वायर्ड ऑर्गन और वहाँ ये भी ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड में शामिल हो जाती है और टारगेटेड ऑर्गन तक वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक फंक्शन है इसका जो ब्लड का वो है टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो भी करता है यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो ब्लड है वो पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है और ड्यू टू दी सर्कुलेशन ऑफ दिस ब्लड हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ ब्लड का वो क्लॉटिंग है, जो कि हमारी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स का फंक्शन ये होता है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अगर खुदा न खासा हमें कोई चोट लग जाती है या इंजरी होती है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉट कर देते हैं, उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो मेक्स अ क्लॉट बाय इटसेल्फ टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द ब्लड। सो अगर आप इसके अंदर ये हेडिंग वाइज सब करके लिखें तो आपके फंक्शन ऑफ ब्लड किसके, यानी कि गैसेस एक्सचेंज, फिर आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फिर आप एक लाइन में आप बताएं कि इम्यून सिस्टम किस तरह जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, फिर आप न्यूट्रिशन के लिए कि किस तरह जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो हमारे फूड एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
फिर जो जब ये फूड इस्तेमाल हो जाता है तो वहाँ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करना जो है वो फंक्शन है ब्लड का. उसके बाद जो हार्मोन जो कि आपके बॉडी के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी सिक्रीटेड जब करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जब सिक्रीट करते हैं तो वो उसको भी रेगुलेट करना, उस टारगेटेड ऑर्गन तक पहुँचाना भी फंक्शन जो है वो ब्लड का है. और उसके बाद और जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द ब्लड इन योर होल बॉडी, जब आपकी पूरी बॉडी में खून गर्दिश कर रहा होता है तो इसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हुआ हुआ होता है. और जहाँ पे उसके बाद इसके जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है, प्लेटलेट्स जो है वो आपके जो है वो क्लॉटिंग में भी जो है वो हेल्प आउट कर रही होती है. और एक और फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन में भी, इसमें भी तमाम जो अगर वो देखें तो ये बड़े डिटेल में फंक्शन ऑफ ब्लड हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 11 में मौजूद हैं और पेज नंबर 192 के ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. आमतौर पर जो सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो बोर्ड के टीचर्स होते हैं वो उसी से चेक करते हैं, तो आप अगर वहाँ इन्फॉर्मेशन डिटेल में मौजूद है तो वहीं से उसके नोट्स बनाएं और वहाँ से लिखें तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड. पढ़ लिख कर ये बन सकते हैं मुल्क को कौम के रूह है रवा.